हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इनकम टैक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। दोस्तों, प्रेस रिलीज स्टार्ट होने से पहले आपको याद दिला दूँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है 30th नवंबर 2020 तक। जी हाँ, बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न की जो डेट है उसे एक्सटेंड किया गया है 30th नवंबर 2020 तक। अब यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि ये जो डेट है 30th नवंबर 2020, ये हमारी क्लैश हो रही है हमारी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो डेट है वो भी एक्सटेंड की गई थी 30 नवंबर 2020 तक। तो दोनों ही डेट्स जो है वो क्लैश कर रही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि शायद फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो डेट है उसे एक्सटेंड किया जा सके, लेकिन अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। मुझसे बार बार क्वेरीज आ रही हैं इनकम टैक्स ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 19-20 ऑडिट डेट्स को लेकर के और ITR फाइलिंग डेट को लेकर के फाइनेंशियल ईयर 19-20 की। तो जी दोस्तों, बिल्कुल उम्मीद लगाई जा सकती है क्योंकि दोनों जो डेट्स हैं वो क्लैश हो रही हैं। तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद असेसमेंट ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हमें कोई एक्सटेंशन मिल सके, लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। तो आपको दोनों ही रिटर्न्स की तैयारी करके चलनी है। जैसे ही कोई अपडेट शेयर होगा मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये था मेरा पहला आपकी जो क्वेरीज़ का आंसर, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज़ जो है इससे रिलेटेड पूछी जा रही हैं। अब हम बात करेंगे अपनी प्रेस रिलीज़ की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रेस रिलीज़ है, हालांकि एक सर्कुलर भी आया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन ये जो प्रेस रिलीज़ है दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। हमारे जो नया सेक्शन आया है 206(1)(c)(1)(h) को लेकर के, जो एप्लीकेबिलिटी TCS एप्लीकेबिलिटी होने वाली है ऑन सेल ऑफ गुड्स, उसमें अभी भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स है, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ है जो आपको लास्ट तक जो है देखनी है। क्लैरिफिकेशन ऑन डाउट्स अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ न्यू TCS प्रोविजन, तो क्या वो क्लैरिफिकेशंस हैं वो इस प्रेस रिलीज़ के अंदर बताई गई हैं। There are reports in certain section of media wherein certain doubt have been raised regarding applicability of provision relating to TCS on certain goods introduced by Finance Act 2020 ने जो है ये नया provision जो है डाला है। This press note is being issued to clarify those doubts about the applicability of these provisions. तो इस press note के अंदर वो सभी doubts जो है clear किए गए हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 एमेंडी प्रोविजन रिलेटिंग टू TCS विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October, यानी कि आज से एप्लीकेबल हो गए हैं, टू प्रोवाइड दैट सेलर ऑफ गुड शेल कलेक्ट 0.1%, यानी कि 0.075%, जो कि आपको TCS और TDS के रेट में रियायत दी गई है 31 मार्च 2021 तक। तो अभी फ़िलहाल 31 मार्च 2021 तक जो आपके रेट्स रहेंगे 0.075%, और उसके बाद 0.1% आपको कलेक्ट करना है। इफ़ द रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फ्रॉम अ बायर एक्सीड 50 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर, अगर आप किसी बायर से एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख से ज़्यादा की रिसिप्ट करते हैं, और सेलर कौन है जिसका प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का है। To reduce the compliance burden, it has been provided that seller would be required to collect tax only if his turnover exceeds 10 crore in the last financial year. Moreover, the export of goods has also been exempted from the applicability of these provisions. So, export of goods ko jo hai exempt kiya gaya hai. It has been reported in the media that TCS has been made applicable to the amount received from received before 1st October 2020. तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है कि अगर 1 अक्टूबर से पहले हमें कोई अमाउंट रिसीव हुई है तो वहाँ भी TCS हमें कलेक्ट करना होगा, उस डाउट को भी इन्होंने क्लियर किया। क्या कहा है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट दिस रिपोर्ट इज़ नॉट करेक्ट। इन दिस कनेक्शन इट मे बी नोटेड दैट TCS शैल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1st October 2020। तो आज से ये प्रोविजन लागू हुआ है, तो आज के बाद जो भी आप अमाउंट रिसीव करेंगे उस पर आपको TCS कलेक्ट करना होगा, ये प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल होंगे उस रिसिप्ट पर। एग्जाम्पल के थ्रू भी इन्होंने क्लियर किया है, अ सेलर हु हैज़ रिसीव्ड 1 करोड़ बिफोर 1st October 2020 फ्रॉम अ पर्टिकुलर बायर एंड रिसीव 5 लाख आफ्टर 1st October 2020 वुड बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS ऑन 5 लाख ओनली। तो अगर आपने किसी बायर से मान लीजिए अक्टूबर से पहले 1 करोड़ रिसीव कर लिया, उसके बाद आपने 5 लाख रिसीव किया, तो TCS आपको 5 लाख पे कलेक्ट करना है।
इन्होंने कहा है कि अगर आप पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा की रिसिप्ट कर रहे हैं तो आपको TCS कलेक्ट करना है, लेकिन किस अमाउंट पर कलेक्ट करना है, जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2020 के बाद, वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। नोट ऑन 55 लाख, यानी कि 50 लाख से ऊपर की जो भी अमाउंट है उस पर आपने पूरा 1 करोड़ 5 लाख को कंसिडर नहीं करना है, जो 1 अक्टूबर के बाद अमाउंट रिसीव हुई है उसको ही आप कंसिडर करेंगे। Now it has been reported in certain section of media that every transaction will attract this TCS. अब यहाँ पर कहा गया है कि हर एक transaction जो है वो TCS attract करेगी। This report is not correct. It may be noted that TCS apply only in case where receipt of sale consideration exceed 50 lakh in a financial year. तो TCS केवल कब apply होगा, जब आपकी consideration 50 लाख से ज़्यादा होगी एक financial year के अंदर। अगर आप इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं और आपकी 50 लाख से ज़्यादा की है तो भी जो है TCS एप्लीकेबल रहेगा। एज अ थ्रेशोल्ड इज बेस्ड ऑन द ईयरली रिसिप्ट, इट मे बी नोटेड दैट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख, द रिसिप्ट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 शैल बी टेकन इन अकाउंट। तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर कर दी कि कब से आपकी ये लिमिट कैलकुलेट हो रही है, 1 अप्रैल 2020 से। 50 लाख की रिसिप्ट की जो लिमिट है वो कब से कैलकुलेट होगी, 1 अप्रैल 2020 से आपकी कैलकुलेट होनी स्टार्ट होगी। लेकिन TCS कौन सी अमाउंट पर डिडक्ट किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर के बाद आपको रिसीव होगी। फॉर एग्जांपल, द सेलर हैज़ टू कलेक्ट टैक्स ऑन रिसिप्ट ऑफ 5 लाख आफ्टर 1 अक्टूबर 2020, बिकॉज द रिसिप्ट जो है 1 अप्रैल से अगर काउंट करेंगे तो 1 करोड़ 5 लाख जो है हो गई है, तो जो है थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि हमने लिमिट कब से काउंट करनी है, 1 अप्रैल 2020 से। फाइनेंशियल ईयर की पूरे की लिमिट यहाँ पे देखी जा रही है। फर्दर, द सेलर इन मोस्ट केसेस मेंटेन रनिंग अकाउंट ऑफ बायर इन विच पेमेंट्स आर जनरली नॉट लिंक विद पर्टिकुलर सेल इनवॉइस, देयरफॉर इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एंड ईज द कंप्लेंस ऑफ द कलेक्टर, इट मे बी नोटेड दैट दिस TCS प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल ऑन द सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड on or after 1 October 2020 without making any adjustment for the amount received in respect of sale made before 1 October 2020. तो ये चीज़ें क्लियर कर दी है उन्होंने, जो भी आप 1 अक्टूबर के बाद में रिसीव करेंगे। मैंडेटिंग द कलेक्टर टू आइडेंटिफाई एंड एक्सक्लूड द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल मेड अप टू 30 September 2020 फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 October 2020 वुड बी रिजल्ट इन अनड्यू कंप्लेंस बर्डन फॉर द कलेक्टर एंड ऑल्सो लिटिगेशन। Now it has been reported in certain section of media that TCS is an additional tax. अब उन्होंने कहा है कि TCS एक additional tax है, this is not correct. In this regard, it may be noted that TCS is not an additional tax, but in the nature of advance income tax and TDS for which buyer would get credit against his actual income tax liability, and if TCS is more than his tax liability, the buyer would be entitled for refund of the excess amount with interest. तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने क्लियर की है कि TCS जो है वो कोई एडिशनल टैक्स नहीं लिया जा रहा गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक तरह से एक एडवांस टैक्स लिया जा रहा है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी तो आप उस TCS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से आपने एडवांस टैक्स जो है वो डिपॉजिट करा दिया है। अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है और आपका एडवांस टैक्स जो TCS है वो ज़्यादा कलेक्ट हो चुका है या TDS आपका ज़्यादा डिडक्ट हो चुका है, तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं विद इंटरेस्ट। It may be noted that TCS shall be applicable on receipt exceeding 50 lakh by a seller from a particular buyer. Therefore, on payment of 1 crore made by buyer to particular seller only 5,000 या फिर 3750 this year, क्योंकि 31 दिन तक आपको जो है राहत दी गई है, shall be collected. In case of person making payment of 1 crore each to ten different seller, the total collected shall be only 50,000 and 37,500 this year. On the total made for purchase of 10 crore to 10 different sell. तो यहाँ पर उन्होंने calculation की है, assuming net profit of 8% of sale, his business income in respect of these payment of 10 crore made for purchase would be around 87 lakh. The income tax liability on 87 lakh for individual in the new tax regime would be 27 lakh. And TCS जो उसका collect हुआ है वो 50,000 हुआ है, would be minuscule part of his actual tax liability and would be easily adjusted against his tax liability. तो ये चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी है कि जो TCS आपका कलेक्ट किया जाएगा वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट
हो जाएगा, तो इस चीज़ में आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती होगी तो आप उस एक्सेस टीसीएस जो आपका कलेक्ट कर लिया गया है आप उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे इस प्रेस नोट के अंदर क्लियर कर दी। इट ऑल्सो बीन रिपोर्टिंग इन सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया दैट एवरी सेलर विल हैव टू कलेक्ट टीसीएस, कि हर एक सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है, तो वो चीज़ भी इन्होंने क्लियर की है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंप्लेंस बर्डन, टीसीएस केवल उन्हीं सेलर्स को कलेक्ट करना है जिनका टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ज़्यादा है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है उनको टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये सभी चीज़ें इस प्रेस नोट में क्लियर की गई हैं।